दिल्ली में एमसीडी के चुनाव आ गए हैं, 2022 दिसंबर में चुनाव हैं, आपकी क्या राय, आने वाले टाइम में किसकी सरकार बनेगी? भाई साहब अभी तो हम लोगों को तो केजरीवाल ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी केजरीवाल अच्छे काम किए हुए हैं। सर 2022 दिसंबर में चुनाव आ रहे हैं एमसीडी के दिल्ली में, आपको क्या लगता है आने वाले चुनावों में आप किसकी सरकार बनते देखेंगे? हम तो कहते हैं आप केजरीवाल जी की सरकार बने। ऐसा है जी, हमारे को यहाँ 2 साल से जम रह रहे हैं, 2 साल तक कोई बिजली का बिल हमारा नहीं आया, 0। रही पानी की बात, पानी तो शाम के टाइम हमेशा आता है, सुबह शाम कोई कमी नहीं है पानी की, हर चीज़ की व्यवस्था है, गली मोहल्ला सफाई वफाई सब कुछ व्यवस्था बहुत बढ़िया तरीके से दी है केजरीवाल सरकार ने। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम अंसार है। मेरा कहाँ रहते हो? यहीं पे रहता हूँ, तिलक नगर। हाँ जी, दिल्ली में एमसीडी के चुनाव आ गए हैं, 2022 दिसंबर में चुनाव हैं, आपकी क्या राय, आने वाले टाइम में किसकी सरकार बनेगी? भाई साहब अभी तो हम लोगों को तो केजरीवाल ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी केजरीवाल अच्छे काम किए हुए हैं, तो इसलिए हमें केजरीवाल चाहिए। क्या क्या अच्छे काम किए? अच्छे फ्लैट हम लोग गिनवाएंगे। हाँ जी, हम लोग यूपी से आए यहाँ पे, कमरे में रह रहे हैं, हमको लाइट की बिल नहीं पड़ रही, पानी का बिल नहीं पड़ रहा है, ये सब चीज़ें जो हमको अच्छी लगी। रेडी पट्टी वालों को कोई परेशानी नहीं, हम लोग रेडी लगाते हैं, कोई टेंशन नहीं रहता, इसलिए वजह से हमको उन लोगों के बहुत अच्छी लगी सरकार। अच्छा जी, सफाई को लेकर आपका क्या कहना है? सफाई दिल्ली में काफ़ी बड़े बड़े वादे किए गए थे दिल्ली में कि सफाई के लिए बड़े बड़े अभियान चलाए जाएंगे, भाजपा ने भी जब एमसीडी में 2017 में इलेक्शन जीते थे तो कई वादे किए थे जी हैं कि सफाई अभियान चालू है तो अच्छे से हो रही है, लेकिन अभी तो जिसकी सरकार केजरीवाल है वो तो अभी चाल किया है सफाई, लेकिन अब इतनी सफाई नहीं हो पाई है जो अब सफाई है। अब कहाँ आपके आपके अपने इलाके में आपको कुछ सफाई देखने को मिली? क्योंकि हम यहाँ जगह जगह गलियों में घूम रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कि जगह जगह कूड़ा करकट जो है जमा हुआ है, अभी यहाँ पीछे नाला है, नाले पे काफ़ी कूड़ा करकट जमा हुआ है। क्योंकि भाई साहब हम लोग अब यहाँ चौक पे हैं, चौक पे सफाई है, अब हम लोग रेड़ी पटरी वाले हैं, यहाँ रहते हैं वहीं पर हम बता सकते हैं, अब कूड़ा कर गली कूड़े में तो हम घूम नहीं रहे हैं, वही यही बात है। क्या क्या जी, क्या नाम है सर आपका? करण। कहाँ रहते हैं सर? सर यही रहते हैं, तिलक नगर में रहते हैं। सर 2022 दिसंबर में चुनाव आ रहे हैं एमसीडी के दिल्ली में, आपको क्या लगता है आने वाले चुनावों में आप किसकी सरकार बनते देखेंगे? हम तो कहते हैं आप केजरीवाल जी की सरकार बने। बहुत काम कराया उन्होंने, जगह जगह काम करा रखा है उन्होंने, स्कूलों में काम करा रखा है, बच्चों का काम कराया और मार्केट की सफाई वगैरह हर तरह का काम कराया। हम तो कहते हैं केजरीवाल सरकार आए, आप पार्टी आनी चाहिए और कोई नहीं। अच्छा, पानी बिजली पानी को लेकर काफ़ी ज़्यादा वायदे किए गए थे कई सरकारों के द्वारा, वायदे किए गए और अभी केजरीवाल सरकार ने तो 200 यूनिट बिजली पानी फ्री मुफ्त लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इससे लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है, कुछ फ़ायदा हो रहा है इन सब स्कीमों से सरकार की? ऐसा है जी, हमारे को यहाँ 2 साल से जम रह रहे हैं, 2 साल तक कोई बिजली का बिल हमारा नहीं आया, 0। रही पानी की बात, पानी तो शाम के टाइम हमेशा आता है, सुबह शाम कोई कमी नहीं है पानी की, हर चीज़ की व्यवस्था है, गली मोहल्ला सफाई वफाई सब कुछ व्यवस्था बहुत बढ़िया तरीके से दी है केजरीवाल सरकार ने। अच्छा जी, अशोक माणू जी के बारे में आप जानते हैं, इस तिलक नगर से जो वो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं इस बार एमसीडी के इलेक्शन में, तो कुछ काम वाम उन्होंने ऐसा करवाया कभी, दिखे आपको आसपास इलाके में कहीं मतलब किसी संबोधन वगैरह में, या कुछ काम वाम ऐसा आपने उनका सुना हो या देखा हो जो आपको लगे कि हाँ जी वो अच्छे कैंडिडेट हैं और कर सकते हैं? अब खड़े होंगे, देखते हैं, उम्मीद तो पूरी पूरी है हमारे को कि काम करके देंगे, अब और क्या इससे बताएंगे। देखो जी, उम्मीद है आपको कि काम वाम अच्छा हो? उम्मीद है, उन्होंने पहले भी काम किया तो हो सकता है इस बार भी बढ़िया काम करके देंगे। नमस्कार अंकल, क्या नाम है भाई? मैं इस मामले में बढ़ता नहीं यार। 2 मिनट लेंगे अंकल, 2 मिनट। सोनू। यहीं रहते हैं आप? हाँ जी। तिलक नगर से? शाहपुरा। अच्छा जी, दिल्ली में एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं अंकल, 2022 में दिसंबर में चुनाव हैं, चुनाव की तारीख भी आउट हो गई, अब तो 4 दिसंबर को चुनाव है, आपको क्या लगता है आने वाले चुनावों में किसकी सरकार बनेगी? हमारे हिसाब से तो केजरीवाल की है, दिल्ली यहाँ इस एरिया में तो केजरीवाल ही है। क्यों केजरीवाल जी? क्यों? क्यों, हमेशा वो साथ देता आया, गरीब बंदों का साथ दिया उसने। क्या काम करवाए हैं ऐसे केजरीवाल ने, आप कुछ गिनाएंगे? कई काम करवाए उनने, सड़कें वगैरह बनवाई हैं और कई काम है, ये बसों में लेडीज फ्री कर दी और मतलब हर जगह
सुनवाई हो रही है हॉस्पिटलों में। अब भी मैं दवाई लेकर एक्सरे करवा गया हुआ, पहले एक्सरे नहीं होता था, अब एक्सरे फ्री कर रहे हैं, अब हाथों हाथ कर रहे हैं। मैं अभी भी करवा के आया, दवाई जेल में पड़ी है। नहीं, इसी इलाके में जैसे उनका ऑफिस है, यहीं वो काम वाम करते हैं, तो कभी आपने उनको देखा हो कुछ काम वाम उन्होंने ऐसा करवाया हो? केजरीवाल ये जनरल सिंह वगैरह को देखा है काम करवाते हुए, इन्होंने बहुत कुछ करवाया, सर्कस सुरखों का हॉस्पिटल वगैरह में कई जगह करवाया। क्या क्या कुछ काम आप गिनवा सकते हैं? यही हॉस्पिटल वगैरह में ज़्यादा कह रहा हूँ कि पहले सुनवाई नहीं होती, अब सुनवाई होती है। अब हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, पहले हाथ पैर जोड़ना पड़ता था, सीधा दीनदयाल की पर्ची बना देते थे, अब तो ये नया हॉस्पिटल खुल गया, यहाँ पे हाथों हाथ कर देते हैं। मेरे को पहले आराम नहीं आ रहा था, मैंने इनको बोला कि मेरे को आराम नहीं आ रहा है, एक्सरे करवाना, कहते करवा लो कोई दिक्कत नहीं, उसी ने लिख के दे दिया, एक्सरे हो गए। स्कूल अस्पताल वगैरह की हालत अच्छी है? हाँ, पहले से काफ़ी गुना अच्छी है, काफ़ी गुना अच्छी है।